नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर वाराणसी से है। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन के बच्चों ने मारी बाजी, जिला स्तर पर जीते स्वर्ण पदक। जोरदार फूल मालों से मिठाइयों के साथ अभिभावकों ने पड़ाव पर पहुंचते ही किया स्वागत। राज्य स्तर पर 3 बच्चों ने स्वर्ण पदक लाए, बाकी के बच्चों जो स्कूल के पेपर की वजह से नहीं जा सके और उनको उसी बीच 2 दिन की छुट्टी मिल गई। उन्होंने जिले में आयोजित ओपन ताइक्वांडो में भाग लिया। बच्चे बहुत मायूस थे, स्टेट में ना खेल पाने की वजह से 2 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, रोते रहे, लगातार फोन पर बने रहे। शबा खान व उनके कोच हौसला देते रहे उनको। जिले में प्रतियोगिता होने से बच्चों में थोड़ी खुशी दिखी। 6th ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 20 से 21 जनवरी 2023 चंदौली में आयोजित हुई। दिन रात मेहनत, बच्चों की रंग लाई, जिसमें सबा जूनियर में रक्षा सिंह स्वर्ण पदक भार 47 किलो, अक्षय सिंह स्वर्ण भार पदक वर्ग 23 किलो, कैडेट में काजल पटेल रजक पदक भार वर्ग 37 किलो, वंशिका गुप्ता रजक पदक भार वर्ग 46 किलो, नेमत जहां रजक पदक भार वर्ग 42 किलो, खुशबू कन्नौजिया कांस्य पदक भार वर्ग 44 किलो, अमित पासवान कांस्य पदक भार वर्ग 54 किलो, ICFF NGO के संस्थापक सबा खान, कोच मोहम्मद सुल्तान खान, नीरज पटेल आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।